कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को बड़ी संख्या में गौ भक्त व हिंदू संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर किरण अंजना को दिया, जिसमें ग्राम चिताखेड़ा के समीप रामनगर में मृत पशु उठाने वालों के द्वारा मृत गोवंश का मांस, चमड़ा व हड्डियों को बेचकर किए जा रहे अवैध कारोबार को बंद करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि नीमच जिले के जीरन तहसील के अंतर्गत आने वाले चिताखेड़ा रामनगर में मृत पशु उठाने वालों के द्वारा मृत गोवंश का चमड़ा व हड्डियों को बेचकर अवैध कारोबार किया जा रहा है, जबकि सरकारी चमड़ा केंद्र बंद होने के बाद से आज यानी मंगलवार को कुछ लोगों ने पूरे जिले में सभी ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र व गौशालाओं के मृत पशु गोवंश को चिताखेड़ा रामनगर क्षेत्र के चमड़ा कारखाने में ले जाकर डाला जाता है। इसके बाद मांस निकाली जाती है। यहां मांस व चमड़ा भी सुखाया जाता है, जिसकी दुर्गंध से भी आसपास के ग्रामवासी परेशान हैं। ज्ञापन में अवैध रूप से चल रहे चमड़ा कारखाने को बंद करने और वहां पर पड़े गोवंश, चमड़े व हड्डियों को व्यवस्थित रूप से जमीन में जेसीबी से गड्ढा खोदकर समाधि देने की मांग की है। गौ सेवकों ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है। इस घटना का खुलासा करने के बाद से ही बिना नंबरों की गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वह चिताखेड़ा के आसपास के गौ भक्तों को डराया धमकाया जा रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर अवैध व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।